खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हम खड़े हैं तेज प्रताप यादव जी के दरवाजे पे और यहां इनकी जन्मदिन मनाई जा रही है। और यहां हम लोग के सामने अभी हैं शिवहर के चर्चित उम्मीदवार अंगेश कुमार सिंह अंगराज जी। और चर्चित इसलिए चूँकि महागठबंधन से इनको टिकट मिलना था, फिर लास्ट में लालू राबड़ी मोर्चा से वहाँ भैया का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है। हम ये जानना चाहेंगे इस बार शिवहर में वहाँ का चक्रव्यूह कैसे आप तोड़िएगा। देखिए, शिवहर में जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कैंडिडेट दिया गया है, उसने जो भी बोला हो, अपना परिचय जो भी यहाँ पर दिया हो, पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार की जनता जानती है वो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंट है। उसका चुनाव लड़ने का सिर्फ पर्पस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए चुनाव जीतने के लिए, और वैसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे। देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो वास्तविकता है कि लोग कहते हैं, जो भी उस वर्ड को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि मुसलमान को जो भी जिस भी परिस्थिति में यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है और वास्तविकता है कि मुसलमान कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करता है। लेकिन उनको उस चक्रव्यूह में फंसाने का आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका चाल होता है कि उस तरीके से चक्रव्यूह रच करके मुसलमानों को बदनाम करना और फंसाना। और हम लोग लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जब ऐसा कैंडिडेट क्षेत्र में आ गया, अपना गलत परिचय देते हुए, अपनी गलत बातों को यहाँ पर रख कर करके, जब सामने तेज प्रताप जी को पता चला, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया, किसी वजह से किसी परिस्थिति में जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो तेज प्रताप जी ने हमसे बुला करके कहा, अंगेश जी, हम लोगों को फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त करना है और शिवहर की जनता, हम चाहते हैं कि शिवहर की जनता की तरफ से आप लालू जी की आवाज़ बंद कर करके संसद की गलियारों में आप जाएं। ऐसा उनका आदेश था। जहाँ तक हम लोग देखे, आपको क्षेत्र में भी आपको काफ़ी सराहना मिल रही है, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन लोगों से मतलब किस मुद्दे के आधार पर इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं? सेकुलरिज्म और बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, और हम एक सेकुलर मोर्चे के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, और जो अभी राष्ट्रीय जनता दल का तथाकथित उम्मीदवार है वो नाम के लिए सेकुलर है, वास्तविकता उसका जो ओरिजिन है वो भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल और आरएसएस के तरफ से ही है। वो ये सच्चाई ये है, उस कैंडिडेट से अगर आप पूछिएगा शिवहर के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मैं तो किसी चैनल के माध्यम से सुना था, हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे शिवहर क्षेत्र के अंदर भी जिसका नाम तरियानी है, वो जनाब तरियानी को तैराना कह रहे थे। अच्छा, तो जिसको जगह का नाम भी ठीक से नहीं पता, इतिहास भूगोल ही नहीं पता, वो क्या वहाँ का जनता का सेवा करना, निश्चित रूप से वो एक चालबाज है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके सेकुलर ताकतों को हराने के लिए वहाँ गया हुआ है, लेकिन शिवहर की जनता इस चीज को कामयाब कभी भी नहीं होने देगी। समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। कुछ दिन पहले हम देखे थे उनका विरोध भी हुआ था कि बाहरी भगाओ और यहाँ शिवहर बचाओ ऐसे करके। देखिए, विरोध क्या, उनका हर बच्चा वहाँ पर विरोध कर रहा है, और उस व्यक्ति से शिवहर की राजनीति होगी जिसको शिवहर के बारे में कुछ पता भी नहीं हो, और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके वहाँ गया है, वहाँ का बच्चा शिवहर का जान रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगाने का काम पूरा शिवहर वासी कर रहा है। मतलब आपका कहना है कि हम वहाँ के लोकल हैं, हम सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, हम जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, वहाँ बाहरी क्या जानता है। बीजेपी की उम्मीदवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनसे आप, मतलब कैसे? देखिए, ये जो राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट है, निश्चित रूप से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने ही ताना बाना बुन करके इनको खड़ा करवाया है। इनको जिस रूप में इन्होंने प्रपोज किया हो, वहाँ पर जिस प्रलोभन से इनको यहाँ पर बुलाया हो,
लेकिन ये देन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही है। इन्होंने बैकडोर से उन्हें घुसाने का प्रयास किया था और उनका प्रयास विफल हो चुका है उनका प्रयास निश्चित रूप से जी। तो और वहाँ मतलब कुल मिला के समीकरण कैसा बन रहा है, मतलब अगर जातीय आधार के भी अगर हम बात करें थोड़ा सा वहाँ तो वहाँ पर सेकुलरिज्म लोकल उम्मीदवार आपको कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, जिस तरीका से लग रहा है कि आप वहाँ का बागडोर आपके हाथों में मिलेगी। वहाँ का कोई भी समाज नहीं है जो हमारे विरोध कर रहे हो, शिवहर के हर समाज का समर्थन हमारे साथ है, हर समाज का, सारे वर्ग के लोगों का। आगे आपकी चुनावी रणनीति क्या है उसके बारे में थोड़ा साझा करें। देखिए हम लोग चुनाव में हैं और शिवहर की पूरी जनता हमारे साथ है और रणनीति जनता बनाती है, हम उन सबों के बातों का पालन हम करते हैं और रणनीति जो भी है ये कैमरा के सामने बताई नहीं जाती है। रणनीतिकार जो भी हमारे हैं, सब हमारे जो सीनियर लोग हैं शिवहर में बैठे हुए हैं, सब लोग मिल करके बनाते हैं और हम उस पर चलने का काम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आज तेज प्रताप जी का जन्मदिन था और आप गिफ्ट के रूप में शिवहर देने आए थे? देखिए तेजस्वी जी भी आए थे, तेजस्वी भैया ने भी हमसे बोला था अंगेश जी आपका नामांकन कब है, मैंने उनको डेट भी बताई, 19 तारीख को हम लोग नामांकन कर रहे हैं। वो भी आपके नामांकन में आएंगे? नहीं, तेजस्वी जी की मजबूरी है, शायद वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका भी एक तरीके से आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। रोड शो होने जा रहा है आज रात भर, यहाँ चूँकि कार्यक्रम है भैया कल नहीं निकल पाएंगे, परसों से शिवहर में रहेंगे, परसों 18 को 19 को और 20 को तीनों दिन रोड शो ही होगा पूरे शिवहर क्षेत्र में माननीय तेज प्रताप यादव जी का। जी धन्यवाद। आप देख रहे थे शिवहर के चर्चित प्रत्याशी लालू राबड़ी मोर्चा से प्रत्याशी अंगेश कुमार सिंह अंगराज जी से मिल रहे थे, कैसे वहाँ लोकल की ज़रूरत है, कैसे वहाँ के बाहरी उम्मीदवार की वहाँ ज़रूरत नहीं है, इनका कहना आप सबने देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई अगली खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।